ही साफ सुथरी अच्छी मनोरंजन की फिल्म है और हिंदू मुस्लिम एकता पे है। पिक्चर पूरा मनोरंजन के साथ स्टार्ट से एंड तक है, कहीं भी आप खड़े नहीं हो सकेंगे, पिक्चर इतना बांध के रखता है। इसमें एक मैसेज है कि इस देश में आतंकवाद का जमाना चल रहा है और लोग दूसरे के बहकावे में आतंकवादी बनने की कोशिश करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि आतंकवादी न बनो, ये मैसेज है। अगर आतंकवादी बनते हो तो तेरा घर द्वार परिवार और अंत क्या है, तुम्हें फांसी या मौत की सजा होनी। ये मेरी फिल्म है, मैंने देखा होगा आपने, फांसी भी दिलवाई है मैंने। और थोड़ा जो जेल का सीन है उस सीन से कुछ लोगों को गलतफहमी है, वो गलतफहमी में कोई न रहे। किसी के ऊपर मेरी फिल्म नहीं है, किसी की सब्जेक्ट नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, एक फिल्म है सिर्फ मनोरंजन के लिए। तो ये अफवाह उड़ी कहाँ से, कहाँ से? ये मुझे जो अंदाज लगता है कि शायद एक गेटअप से लगी। आप इतने पत्रकार लोग हैं, एक पत्रकार मेरे साथ चलिए, मैं सेम गेटअप लगा देता हूँ, क्या आप आतंकवादी कोई नामी हो जाएंगे? तो फिल्म है, गेटअप तो बनाना पड़ता है, उस गेटअप के कारण कुछ अफवाहें हैं, मैं जानता हूँ, उस अफवाह से मुझे कोई घबराहट नहीं। जब आपने ये गेटअप बनाया था जब, तो आपको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ गेटअप बन जाएगा जैसे अफवाह उड़ जाएगी? उस वक्त तो नहीं लगा था, जब बना रहे थे तो उस वक्त दिमाग में भी नहीं था कि इस पर कोई किसी को ऐड करेगा, कोई नाम आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर इस धरती पर कोई इसको डिनोट किया तो सेंसर बोर्ड ने किया था, और सेंसर बोर्ड के करने के बाद कुछ रियलाइज किया तो मैंने सारे सीन को काटे, पूरी फिल्म को उलट दिया, मैं उलट करके साफ सुथरी मनोरंजन फिल्म बना दी। क्या संदेश देती है फिल्म? क्या संदेश ये देती है कि अगर आप किसी के बहकावे में या किसी के कारण आतंकवादी बनते हैं तो आपका सर्वनाश सही होने आया, होना ही होना है सर्वनाश। ना आपके परिवार होंगे, ना आपके जिंदगी होगी, ना आपके दौलत होंगे, ना आपकी इज्जत होगी। ये मेन संदेश है मेरी फिल्म में। कारण भी वो हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हो रहे हैं, दोनों मिल करके एक दूसरे का साथ दे करके इसमें चल रहे हैं। ये फिल्म बनाने की कोई खास वजह, कब आपका एहसास हुआ कि इस तरह के मुद्दे को लेके फिल्म? भाई एहसास क्या क्या है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने फिल्म बनाया, एक अच्छी फिल्म बनाई, आप देखिए खुश होइए। ओके, फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस, यू नो, जब हम रिलीज, यस यस, इट इज अ सीरियस बिजनेस, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। मैं पैसे इसलिए नहीं लगाया कि कुछ हमारे दुश्मन अफवाह उड़ा दें, मेरी फिल्म को रोक दें, मैंने इसलिए नहीं बनाया, और मैं जहां भी होगा मैं ट्रायल दिखाने को तैयार हूं। ओके, व्हाट ग्राउंड यू हैव जीरो डाउन योर स्टार कास्ट, किस बिना पे आपने फिल्म की स्टार कास्ट? क्यों मैं क्यों लूं बड़े स्टार कास्ट को, क्यों पैसे खर्च करूं? आज नए नए स्टार इतने अच्छे हैं जो बड़े स्टार को मात देने वाले हैं, आपको पता है? तो नए स्टार हैं, नए स्टार को लेके बढ़ावा दे रहा हूं मैं। सर, ये मेरा प्रश्न ये है कि दरअसल हर पिक्चर के पहले कंट्रोवर्सी होती है और बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद भी कंट्रोवर्सी है, क्या ये आपका कंट्रोवर्सी का कारण है क्या? नहीं, मैं तो चाहता हूँ ना हो, अगर ये होता तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता, मैं सारे भीड़ में बोला कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है गलत हो रही है, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सेंसर का कह रही है, सेंसर ने फिर ओके किया एकदम, यूएस नो कट, मैंने वॉलेंट्री जो कट्स दिए, मैंने वॉलेंट्री जो एडिट किया दे एक्सेप्टेड, और यूएस सर्टिफिकेट मिला मुझे विदाउट एनी कट, विदाउट नो 100% नहीं। सर देख के बोले तो मैं आपका मेकअप कर देता हूँ, चलिए अभी भाई मेकअप मैन को बुलाओ, इनको दाढ़ी बढ़ाओ। जेल में देखिए, जेल में दाढ़ी बढ़ा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं कोई स्टोरी राइटर है तो सोचता है, मेरा स्टोरी राइटर थोड़ा ज़्यादा सोचा था, मैंने टोटल जीरो कर दिया, मैंने टोटल जीरो किया है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मालूम है अगर बिजनेस करना है तो किसी कौम को किसी धर्म को लेकर के और हंगामा करा के कंट्रोवर्सी करा के पैसा नहीं कमाया जाता है, लेकिन अब क्या करेंगे, वो गेटअप है वैसा, अब गेटअप से लोग को गलतफहमी है और मेरे जो लेग पुलर है वो उड़ाएंगे, ये सोचते हैं कि ऐसा करके कुछ कर लेंगे तो ना बिगड़ेगा मेरा नुकसान। हाइप तो मिल जाएगी, फिल्म का हाइप नहीं दीजिए ना, हाइप ओरिजिनल दीजिए ना, ओरिजिनल क्यों आप लोग हाइप पर जाते हैं, आप लोग की तो खुद आप लोग भी हाइप पर जोड़ते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है, आपको अगर ए मिलता है तो आप जेड तक चले जाते हैं, आप उसको ए को माइनस ए करिए, हाइप करने की कोशिश ना करें, जो मैं बोल रहा हूँ वो निकालिए ना। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मनसे के कार्यकर्ता भी कुछ यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ मौजूद हैं, मैं मिला हूँ उनसे, आपकी मुलाकात हुई है, उन्हें किसी, आप किस तरह से उन्हें ट्रेलर दिखाने लगे, क्या उन्हें कुछ आपत्ति है? भाई उन्होंने ट्रेलर देखा ना जी, उन्होंने कहा थोड़ा ऐसा लगा था जी, फिर उन्होंने कौमी एकता के गाने भी देखे, फिल्म के मनोरंजन भी उन्होंने देखा, और मैंने कह दिया कि अगर कहेंगे तो मैं जहाँ कहिए मैं आपको बिफोर रिलीज ट्रायल कर दूंगा, देख लीजिए मेरी फिल्म। क्या पॉसिबिलिटीज है आप राज साहब को फिल्म दिखाएंगे? अगर देखना चाहे हिंदुस्तान का कोई भी साहब तो मैं दिखा दूंगा, कांग्रेस देखें, राज साहब देखें, और मैं बता दूं खुद, अब चलिए इससे ज़्यादा नहीं,
मैं भी समझ रहा हूँ, मैं राज साहब को खुशी से दिखाऊंगा कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। सर अगर उसमें कोई मामला जो ऐसा लगा कि ऐसा लगा काटना है, आप उसको जी जितना भी काटना था वो काट चुके हैं और देखने वाला कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें काटिया। अगर जरूरत पड़ेगी, सपोज कर लीजिए कोई हर्ट करता है, आई एम रेडी। मेरे देश में किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए मेरी फिल्म से। अगर हर्ट होता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने फिल्म नहीं देखी। मैं बनाया, मैं रिलीज करने जा रहा हूँ तो मैं भी देखा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे पता है कि क्या होना है, कहाँ किससे लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। क्या मैं मूर्ख हूँ क्या? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई। आतंकी को हीरो नहीं बनाया मैंने, मैंने जो आतंकी था उसको फांसी दिया, दैट्स ऑल। प्लस मेरी फिल्म में कौन बम ब्लास्ट कर रहा है आपको दिख रहा है भाई? क्यों किसी के ऊपर जाए? मैं तो दिखा रहा हूँ आपको कि आप बम ब्लास्ट कर रहे हो और आपको फांसी हो रही है, व्हाट इज द रॉन्ग देयर? Okay, you know, apart from this here, how many mix up of negative and positive? Suppose, no, no, you think that I want to hype, then why 3 days before? Why not 1 month before? From my side, I can do that. Please understand what I'm trying to convey. There's already hype about sir, मेरे गाने पर मुझे सुनिए, एक गाने पर जी म्यूजिक प्रमोशन दे रहे हैं, मुझे अपने गाने पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरे आर्टिस्ट जो है वो नए आर्टिस्ट मत समझिए, दे आर एक्टर, उन्होंने एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग आप देखेंगे, आप गाने देखेंगे, मेरी फिल्म चलेगी, इसलिए मैं मुझे किसी से डर नहीं है, मैं रिलीज कर रहा हूं। ओके, व्हाट माय क्वेश्चन इज, यू नो, देयर इज अ वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स अप हाइप अबाउट द फिल्म, डू यू थिंक इट विल बेनिफिट द फिल्म इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग इट, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट द फिल्म कमिंग इन? आई डोंट नो इट इज ए प्रॉफिटेबल और नॉट, गॉड नोस, इट्स माय ड्यूटी, आई एम गोइंग टू बी रिलीज। सो जैसे कि आपको कोई प्रेशर आ रहा है? आई एम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 1979 इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, आई हैव रिलीज मोर देन 600 फिल्म, I have released more than 600 film, and I know what is the fact, what is the wrong, what is the right. मैं ये मेरी हिंदी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मेरी पहली फिल्म है, बाकी इनडायरेक्ट में मैंने करीब करीब 40-50 फिल्में बनाई है जहाँ मेरा नाम नहीं है, ये भी मैं ओपन कर दे रहा हूँ। So, अभी कंट्रोवर्सी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिल्म बनता है मैं साथ में रहता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ अपने राइट में। चलिए आप फिल्म देखिए बाकी चीज उसके बाद फिर आप मेरे कॉन्फ्रेंस में आइए और तब बोलिए कि आपने जितने क्वेश्चन किए थे गलत था, ये मैं चैलेंज करता हूँ। ओके सर, सर पॉजिटिव और नेगेटिव से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीइंग ए आर्टिस्ट मुझे अपना काम करना है, और इस फिल्म से अच्छी शुरुआत होती या दूसरे से वो मैं नहीं कह सकता। बीइंग एक्टर आप मुझे जो भी दोगे मैं उस चीज़ को परफॉर्म करूँगा। तो सिंपल मेरे लिए मेरे डायरेक्टर हैं मन कुमार, जिस तरह से इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है, जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक ये पिक्चर अच्छी है और इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी जाएगी। सर रेफरेंस लिया ना, सर रेफरेंस लिया सर 2011 में मार्वल स्टूडियोज में मैंने एक्टिंग सीखी सर, उसके बाद रेफरेंस लिया सर अनुपम खेर से एक्टिंग सीखी सर, उसके बाद मैंने लिया टीपी सर से, टीपी अग्रवाल, तो जहाँ से मैंने एक्टिंग सीखी सर मैंने वहाँ से चीज़ें उठाई, इमेजिनेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो मुझे कभी किसी कैरेक्टर को प्ले करने की जरूरत नहीं है सर, मैं खुद अकेला कैरेक्टर हूँ। निशान जब आप ये पिक्चर कर रहे थे, हाँ, जो इसका रोल कर रहे थे, जो भी आप रोल कर, आपको क्या लग रहा था आप क्या कर रहे हो? मैं एक्टिंग कर रहा था। जो एक्टिंग में मतलब किस तरह का रोल आप निभा रहे थे? सीरियस रोल है, मतलब कि एक बंदा है, बहुत इनोसेंट बंदा है, उसके साथ क्या बीतती है, क्या जर्नी है उसकी, जेल में कैसा फीलिंग होता है, ये सब चीजें हैं फिल्म में मैंने प्ले किया, पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा। कहीं से आपको लगा नहीं कि ये किसी से इंस्पायर है या फिर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। देखिए आप लोग जो याकूब की बात कर रहे थे ना, मैं एक बात बताऊं, हमेशा आप बोल रहे हो याकूब पे फिल्म है, एक बायोपिक होती है, अभी एम एस धोनी आ रही है, एम एस धोनी लिखा जा रहा है, धोनी नाम है उसमें, उसको बायोपिक बोलते हैं। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, आप जो बोल रहे हो, नहीं सर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि बायोपिक फिल्म में और ये इंस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस होता है सर। आप बोल रहे हो याकूब पे पिक्चर, आप पिक्चर देखो जाकर, अगर याकूब का नाम भी है तो आप जो बोलना, मेरा पिक्चर में कैरेक्टर नेम है अशरफ अंसारी, और जहां तक आप बोल रहे हो एक टेररिस्ट को हीरो बनाया गया है, ठीक है, आप एक बार इस पिक्चर को देखो, आप ये देखना उसमें कि उसको फांसी लगती है या नहीं लगती है, लगती है तो क्यों लगती है और नहीं लगती है तो क्यों नहीं लगती, वो सब चीज आप देखो ना, पहले पिक्चर देखो। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट टू द डायरेक्टर से पूछना चाहूंगा, क्या चैलेंजिंग पार्ट था इस फिल्म, इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? चैलेंजिंग क्या था, एक स्क्रिप्ट हमने डिसाइड किया, उस स्क्रिप्ट पे काम किया है, जैसे किरदार चाहता था कि आंखों से किरदार काम करे, वो बंदा ये कर रहा था, दैट्स इट, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था।
और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा प्लीज सर, आप लोग फिल्म को ना फिल्म की तरह लो, फिल्म एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, जहां हमारी फैमिली जो होती है, लोग होते हैं वीकेंड्स पे पिक्चर देखने एंटरटेन होने जाते हैं। आप किसी भी चीज को लेके प्लीज मत जज करो कि एक टेररिस्ट को हीरो बना दिया, इसको बना दिया। जहां तक आप हमारे प्रोड्यूसर से बात करते कि पिक्चर को हाइप बनाना है, सर अगर हाइप बनाना होता ना तो एक महीने पहले से शुरू करते सर। हाइप का नहीं कहा, हमने कहा कि जिस तरह की, और एक बात बताओ, अगर मुझे हाइप लेना होता, मैं हमारे गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को फांसी दे दी। अगर हमें हाइप देना होता तो क्या हम एक टेररिस्ट को हीरो बनाकर हाइप लेंगे सर? जिस तरह के जो छोटे मोटे विवाद फिल्म को लेके हुए हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अमूमन फिल्मों को फायदा होता है, पब्लिसिटी कहीं ना कहीं हो जाती है। मुझे तो लगता है इस टॉपिक की वजह से अभी तक हमें नुकसान ही हो रहा है सर। यहाँ मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं, उन्होंने फिल्म देखी, उन्हें भी अच्छा लगा, उन्हें कई आपत्ति तो उन्होंने जिक्र भी किया प्रोड्यूसर साहब से। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है राजनीतिक तौर पे तो कहीं ना कहीं फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है। आप बोल रहे हैं, सॉरी यू आर ए प्रेस रिपोर्टर, ये आप लोग की नेचर है। कोई नहीं बोला, कोई पॉलिटिकल मेरा नहीं है अभी तक, मैं जानता हूँ आप लोग इसको ऐड करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल इसी पर। ओके, थैंक यू।